हेलो एवरीवन इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर एवोल्यूशन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं फ्रेंड्स हम केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के नाम से एक प्ले बना रखे हैं चैनल पर सो आप विजिट कर सकते हैं और जितने भी सिलेबस हैं के वी उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हमने कवर किया है सो वन बाय वन आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट सिलेबस जो है उसको कवर किया गया है सो so, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एम जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाई वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड गिव द द्यूरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी एवोल्यूशन के लिए वो किसने दी थी डार्विन मैंडल डाल्टन या मॉर्गन तो जो एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के लिए नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी वो दिया था आपके गिवन ऑप्शन में से डार्विन ने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग आर द सोर्स विच प्रोवाइड एविडेंस फॉर एबुल्यूशन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन एनोलोगस ऑर्गन फॉसिल्स और ऑल ऑफ द एब तो आपके गिवेन ऑप्शन में से राइट right आंसर हो जाएगा पूछा गया प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन तो होमोलोगस ऑर्गन एनोलोग ऑर्गन और फोसिल्स ये सारे जितने भी ऑप्शन गिवेन है वो आपको एविडेंस uh, प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशन के लिए सो so, सारे सही हैं नेम ऑफ फ़ॉसिल्स बर्ड विच लुक लाइक अ बर्ड बट हैज मेनी अदर फीचर फाउंड इन रेप्टीलिया डोडो गिवेन ऑप्शन आर्किप्टेरिस, फ्लेमिंगोज माउस बर्ड तो आपके गिवेन ऑप्शन में से राइट right आंसर क्या हो जाएगा रिस नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स वॉज कंसिडर्ड एज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप रेप्रिलिय बर्ड्स तो गिवेन ऑप्शन आपके हो जाएगा कार्डिपटेरिस आर्क्यूपटेरिस पेट्रेंडन एंड एबीमीमिस तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गिवन ऑप्शन में से आर्क्योपटेरिस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्लेटोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन रेफर टू द गिवन ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज होमोलोगस आर्गन एनोलोगस आर्गन फॉसिल्स सो आपके गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉसिल्स फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑप्शन आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एनी टाइप ऑफ रॉक्स तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स नेक्स्ट so क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंट दैट इस्टुमुलेटेड कंडीशन थ्रू टू बी प्रेजेंट ऑन अर्थ अर्ली अर्थ तो गिवन ऑप्शन आपके हैं हर्स चेज एक्सपेरिमेंट गीगर मार्स डेन एक्सपेरिमेंट सीलन एक्सपेरिमेंट एंड मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट तो आपका गिवन ऑप्शन में से राइट right आंसर क्या हो जाएगा मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट एनोलॉगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू गिवन ऑप्शन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जेनेटिक ड्रिप्ट आर्टिफिशियल सेलेक्शन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो आपके गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स दैट इनिशिएट एबल्यूशन इज वेरिएशंस फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड म्यूटेशन सी ऑप्शन एक्सटेंक्शन डी एंड लास्ट ऑप्शन एडेप्टेशन तो गिबन ऑप्शन में से आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा वेरिएशंस नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग ब्लैंक्स इज अ बेस्टिजियल ऑर्गन वन ऑप्शन इंटस्टाइन बिलीज पैपिलीज बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नॉन ऑफ द एवर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गिवेन ऑप्शन में से बर्वी फॉर्म अपेंडिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द अर्लिएस्ट जियो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड among द फॉलोइंग इज परमियन cambrian जूरेसिक एंड डी इज क्वाटरनरी तो गिवन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैम्ब्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेमेंट डैट स्टूमुलेट कंडीशन थ्रू टू बी प्रेजेंट ऑन अर्ली अर्थ गिवन ऑप्शन हार्स चे, चेज एक्सपेरिमेंट गीगर मार्स डेन एक्सपेरिमेंट सीलेन एक्सपेरिमेंट एंड डी मिले मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट सो so, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम्पल ऑफ Homologous organ. Arm of woman. Wing of bird. First option. B is a wing of an insect. Wing of a bird. C. Leg of dog. Leg of spin, spider. And D. None of the above. So, गिवन ऑप्शन में से राइट right आंसर क्या हो जाएगा आर्म ऑफ वुमेन एंड बिंग ऑफ बॉड नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंडीशंस कैन बी एक्सप्ले बाय लेमार्किज हाउ जिराफ़ गॉड देयर लॉन्ग नेक सेकेंड हाउ वुमेन लॉस्ट देयर टेल सी हाउ वुमेन बिकम बाइपेडल पेडल एंड डी इज ऑल ऑफ द एवअ सो आपका गिवेन ऑप्शन में से राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एवब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑन फिलिंग द ब्लैंक हैवली इंस्पायर्ड डारविंस थ्यूरी ऑफ एवल्यूशन गिवेन ऑप्शन इलाडा किमीडा ग्रांडे बी ऑप्शन माला, सी फारोई आइसलैंड एंड डी गैला आइसलैंड तो गिवन ऑप्शन में से आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा गैलापोज आइसलैंड इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सेलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मेलेनिन ऑब्जर्व इन मोथ बिस्टन बेट्रुलरिया फर्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रप्टिव बी इज स्टेबलाइजिंग, सी इज डायरेक्शनल एंड डी इज आर्टिफिशियल तो आपके गिवन ऑप्शन में से राइट right आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्शनल नेक्स्ट क्वेश्चन ए बायोजेनेसिस थ्यूरी ऑफ origin supports first option origin of life from blue green algae b origin of life is due to pre existing organism c spontaneous generation and d last none of the above तो गिवन ऑप्शन में से आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ऑरिजिन सपोर्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन Next question. The correct sequence for the manufacture of the compound on the uh, prime, uh, primitive earth is given option first protein, carbohydrate, water, and nucle uh, nucleic acid. B, ammonia, methane, carbohydrate, and nucleic acid. C, ammonia. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड डी अमोनिया मेथेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तो गिवन ऑप्शन में से आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा अमोनिया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सी इज अ राइट आंसर सो फ्रेंड इस वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं